तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक क्राफ्ट पर। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं इसी प्रकार की एक हेक्सागोनल फॉल डेकोरेशन लाइट। दोस्तों आप इसे अपने घर पर अपने हाथों से ही बनाकर अपने वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर यूज़ की एक पेपर की शीट। दोस्तों हम इस पर एक सर्कल ले लेंगे पकाल की मदद से। और दोस्तों सर्कल लेने के बाद हम इसके सेंटर से पहले डिस्टेंस नाप लेंगे सर्कल को, फिर उससे ही मीटर के हम इस पर आर्क काट लेंगे। दोस्तों हमने सेम डिस्टेंस पे सारे आर्क काट लिए हैं, तो हम इन पर लाइन खींच के इनका एक हेक्सागोन बना लेंगे। तो गाइस इसी प्रकार से हम तीन हेक्सागोन काट लेंगे। दोस्तों हर एक हेक्सागोन एक एक सेंटीमीटर पहले वाले से छोटा होगा। तो ये देखिए दोस्तों हमने 12 पीसेस हेक्सागोन काट लिए हैं। दोस्तों हम इनको बीच से भी कट कर लेंगे जिधर पे हमारा हेक्सागोन का पॉइंट है। तो दोस्तों हम अपने थर्ड पेंटागॉन को सेकंड पेंटागॉन के ऊपर रख के इसकी एंट्रेंस को काट लेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमने अपने हेक्सागॉन के फ्रेम को काट लिया है। तो दोस्तों हम अपने हेक्सागॉन की साइड्स को कट कर लेंगे जैसे हमने पहले वाले हेक्सागॉन की साइड्स को कट किया था। दोस्तों इसी प्रकार से हम अपने हेक्सागोन के फ्रेम पर बटर पेपर चिपका लेंगे। इसी प्रकार से सभी हेक्सागोनल्स के फ्रेम पर हम बटर पेपर को चिपका लेंगे। तो दोस्तों हम अपने हेक्सागोन को के मेजर के हिसाब से इन स्ट्रिप्स को काट लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा हेक्सागोन बनकर तैयार हो चुका है। और इसी प्रकार के दोस्तों हम 6 हेक्सागोन बना लेंगे। तो दोस्तों ये है आरजीबी एलईडी। दोस्तों हम आरजीबी एलईडी के दोनों लाइट्स को बैंड कर लेंगे और इनको हम अपने हेक्सागोन के जहाँ पे हमने होल रखा था वहाँ पे हम इनको फिक्स कर लेंगे और ग्लू गन की मदद से स्टिक कर लेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम सभी हेक्सागोन के अंदर इन एलईडीज को फिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों हम इन एलईडीज का जो सीरीज कनेक्शन करेंगे उसका डायग्राम ये है। तो इसी प्रकार से हम अपने एलईडी का कनेक्शन करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने अपने सारे एलईडी के कनेक्शन कर लिए हैं। तो दोस्तों हम ग्लू की मदद से ये हेक्सागोन की साइडेड को सभी तीनों हेक्सागोन को चिपका लेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से हमने जो और हमारे तीन हैं उनको भी हम इसी प्रकार से चिपका लेंगे। We'll be right back.
तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारे हेक्सागॉन्स को अच्छे से चिपका लिया है। दोस्तों हमने ऐसे दो बना लिए हैं सेम ऐसे ही, जैसे हमने पहला वाला बनाया था वैसे हमने दूसरा वाला भी बना लिया दोस्तों। और दोस्तों हम इन दोनों को भी जैसे हमने पहले वाले तीनों को अटैच किया था ग्लू की मदद से, वैसे हम इनको भी ग्लू की मदद से चिपका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने दोनों हेक्सागॉन्स को ग्लू की मदद से अच्छी तरीके से अटैच कर लिया है। और दोस्तों इनकी वायरिंग बहुत ही आसान है, हमने दो पॉइंट से इनके दोनों के वायर्स कनेक्ट कर लिए ताकि हमें इनपुट मिल जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने हेक्सागॉन की पूरी वायरिंग कर ली और अब हमें दो पॉइंट इनको चलाने के लिए मिल गए हैं। तो दोस्तों ये है GI वायर। तो दोस्तों हम इस GI वायर को इस हेक्सागॉन के सेंटर पर हम ग्लू गन की मदद से चिपका देंगे ताकि हम इसको वॉल पर अपने लगा सके, फिक्स कर सके स्टार की मदद से। ये देखिए दोस्तों, हमारी पूरी लाइट बनकर तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर लेंगे एक ख़राब USB, तो इसके हम पिन को काट लेंगे और उनमें से हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक रेड वाला और एक ब्लैक वाला। तो इन दोनों को हम अपने लाइट के माइनस प्लस से कनेक्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने अपनी चार्जिंग USB से दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों हम अपनी लाइट को किसी भी चीज़ से चला सकते हैं, चाहे तो पावर बैंक से या मोबाइल की बैटरी से। तो देखिए दोस्तों, हमारी लाइट कितनी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। दोस्तों ऐसी लाइट को आप भी बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, ये दीवार पर और भी अच्छी लग रही है और इससे आप अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।